नैन दुखे बिन दीद के रही लबा पर जान, देवो इश्क मुबारका मोह साजन मिले सीरत, सीरत, हमसा, पता है सब बिल्कुल ठीक था, फिर एकदम से मैंने कुछ नहीं किया। देखो अभी तुम जाओ, मैं इधर ही हूँ, ठीक है? तुम जाओ। भाई आप अकेले जिंदगी कैसे गुजारेंगे? गुजार लूंगा, लेकिन कभी अपनी बेटी पे सौतेली मां नहीं लाऊंगा। सीरत बेटे, वो तकरीब का दावतनामा नहीं आया? वो इस बार घर वालों को नहीं बुला रहे। क्यों? पता नहीं। इन्विटेशन बोलने में इंसान का कितना ही जोर लग जाता है। मुझे भी करके बताता नहीं और चलिए मेरे कॉन्वर्सेशन अटेंड कर लें। पागल हूं मैं। माँ बाप की बचपन में डेथ हो गई और दादी ने पाला, 3 साल पहले वो भी गुजर गई। बहुत अच्छा लड़का है, आप मिले। यार अम्मी होती तो सब कितना। जुम्मे को नहीं, इतवार को बुला रहा। हाँ तो बेटा, वो क्या सोचा है तुमने, वो जो डॉक्टर लोग करते हैं स्पेशल? अबू, वो आपका फोन आया है। फोन आया है? हाँ जी, होल्ड पे पड़ा है। अच्छा जी। कोई फोन नहीं आया। क्या स्पेशल? नहीं, आप मुझे बताएं क्या स्पेशल। आपको कहा था ना, आप कोई फालतू बात नहीं करेंगे। आप हमसा के बारे में जो पूछना है मुझसे पूछे, लेकिन मुझे उसके सामने क्यों जलील करवा रहे हैं? अब आप जाएं और कोई फालतू बात नहीं करेंगे। बेटा, यहाँ ना बड़ी दर्द रहती है। अच्छा, चलिए चेक करवा लेते हैं। अच्छा बेटा, वो डॉक्टर आ गए? यार अबू, डॉक्टर नहीं डॉक्टर होता है, वो नहीं आया इसलिए फौरन चले चले।
विद फैमिली और हुमा को नहीं बुलाऊंगी, उसने मुझे भी नहीं बुलाया था। बेटा वो फिर डॉक्टर साहब नहीं आए? उम्र पे गए अब्बा, और आप शादी के दिनों में कौन सी बातें लेकर बैठ गए हैं। अब्बा सुने। अच्छा अच्छा बेटा, असल में ना कमजोरी बहुत होगी। यार अब्बा हो जाती है इस उम्र में कमजोरी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं सोच रही थी कि मेन्यू में गाजर के हलवे की बजाय पेठे का हलवा रख लेते हैं, कैसे रहेगा? का ट्रांसप्लांट का है और आई एम कंपैटिबल एज अ डोनर। तुम मजाक कर रही हो राइट? यार आई एम सॉरी टू से, अबू 65 बरस के हैं, आज नहीं तो कल इस उम्र में हर किसी को जाना ही होता है। तुम्हारी जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है इस बात का तुम्हें पता भी है? जाने की कौन सी उम्र होती है हमजा, अम्मी 28 की थी जब वो चली गई, कुछ तो पैदा ही मरे हुए होते हैं। और क्या कह रहे हो तुम कि मेरे और तुम्हारे जैसे सेल्फिश लोगों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, अब जैसे सेल्फिश इंसान की नहीं? यार लेकिन मैंने इतनी चीजें सोची हुई हैं कि हम प्लेब करेंगे, इंग्लैंड जाके सेटल होंगे। सोचने से होता ही क्या है, मैंने ये सोचा था कि आज हम इस हॉस्पिटल में होंगे और अब्बा उस बेड पे। यार तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे अभी तो समझ आना शुरू हुआ है और अब बस I can't lose him। और मैं, मेरा क्या? मैं चलती हूँ। मर गई तो मरने दो, पछतावों के साथ जीने का शौक भी नहीं है। तेरी तरह मुझे दुनिया में नहीं कोई चाह सकता, तेरे दिल में फिक्र मेरी रहे शाम सुबह, तेरे दिल में हर पल हर दम है ख्याल मेरा ही बसता, तेरे लब पे जिक्र मेरा रहे शाम सुबह, तेरे साथ में हूँ महफूज सदा, इतना तुझ पे है यकीन मेरा, तपती जलती इन राहों में तू साया मेरा, सहरा भी है गुलशन बन जाता खुशबू की तरह जब तू आता, इस जिंदगी में हर घड़ी चाहूं तेरी पना, तेरे नाल इश्का मेरा, तेरे नाल इश्का मेरा, लगदा इबादत वरगा, तेरे नाल इश्का मेरा मेरा ज्यादा मैं तेरा। देखो मुझे कुछ दिन दो, मैं करता हूँ ना डॉलर रेंज, मुझे सब छोड़ चुके हैं, तुम नहीं मुझे छोड़ सकती, सुन रही हो मेरी बात? अपनी जलती इन राहों
आपके लिए एक खत है। लिखा है, बचपन से लेकर आज तक आपको देखा है मेरी हर हर खुशी के लिए अपना आप मारते हुए, लेकिन लोगों के ऊंचे मॉडर्न खानदान देखकर कब अपना आप मारने की बजाय जमीन मार बैठी पता ही नहीं चला। और पता है अब्बा मेरी आंख कब खुली? जब आपकी आंखें बंद हुई। आपको याद है अम्मी के गुजरने के बाद जब मुझे टाइम देने के चक्कर में कारोबार ठप हो गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि रोटी एक और तलबगार दो थे तो आप अपने हिस्से का नवाला मुझे खिला देते थे। वक्त ने जिंदगी एक और तलबगार दो का मंजर दोहरा कर उस पे लॉस मोहब्बत का कर्ज चुकाने का मौका दिया है मुझे अब्बा। और हाँ हमजा, मैं तुमसे इसलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे लगा कि मिलूंगी तो अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाऊंगी। हो सके तो माफ कर देना। तेरे नाल इश्का मेरा लगदा इबादत वर्गा, तेरे नाल इश्का मेरा।